रांची के जेएससीए स्टेडियम में मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मैदान पर काफी रोमांचक मैच देखने को मिला। आपको बता दें कि सीएम एकादश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 12 ओवर में 73 रन बनाए। वहीं मुख्यमंत्री एकादश की ओर से बल्लेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 4 रन, विधायक प्रदीप यादव 21 रन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाबाद 11 रन बनाए। वहीं मुख्यमंत्री एकादश के दिए गए 73 रनों का पीछा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष एकादश 10 ओवर में 74 रन बनाकर विजेता बने। वर्फर से रुख बिहार की ओर। बिहार रोहतास जिले के बलिया गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के लगभग 40 छात्र छात्राएं दूषित जंगली फल खाने से बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बच्चों के परिजनों का कहना है कि स्कूल के से लौटने के बाद बच्चों की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। इस मामले में प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के दौरान यह घटना नहीं हुई। पॉइजनिंग टाइप बच्चों की क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, करीब सब लोग ठीक हो जाएगा। मतलब क्या बेहोश हो गया है लोग? क्या ना ना बेहोश नहीं है लोग। अच्छा, बेहोश नहीं है, उल्टी हुआ है, पैखाना हुआ है, उल्टी और पैखाना हुआ है, और कुछ बेचैन नहीं। खगड़िया जिले के परबत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने फरार चल रहे 4 अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराधियों को जेल भेज दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। नालंदा जिले में लगातार चोरी और अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला हरनौत का है, जहां बीडीओ नीरज कुमार सिंह के सरकारी आवास का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप जेवरात सहित 10 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। बीडीओ ने मामले की शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उसके बाद आज करीब मैं जब वापस आया यहां पर, तो मेन गेट को खोलने के बाद जब अंदर हम अपने आवास के अंदर आए, तो देखे कि सभी दरवाजा जो है ताला तोड़ के सभी दरवाजा खुला हुआ था, और घर में सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसमें हमारा सरकारी लैपटॉप, एलईडी टीवी लगा हुआ था और हमारे पत्नी। झारखंड के गुमला में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत छात्र सतीश साहू पिछले कई दिनों से पेट दर्द की समस्या से परेशान था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल से घर जाकर छात्र ने यह जानलेवा कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शेखपुरा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अरियरी प्रखंड क्षेत्र के पंडर गांव में दो भाइयों ने अपनी मां की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने को लेकर दोनों भाइयों ने सौतेली मां के तीनों बेटों के लिए जमीन के तीन हिस्से लगाने की बात कही, जिससे नाराज होकर दोनों भाइयों ने चमेली देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत करने थाने पहुंची, तो दरोगा ने दुर्व्यवहार करते हुए कहा कि अगली बार मारपीट की घटना होगी तो कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी के छोड़ा दानो गमहरिया रोड का यह नजारा आपको एक पल के लिए हैरान कर सकता है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिना बरसात के ही बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि इस गांव के लोग पिछले 3 सालों से गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं, जिसके कारण यहाँ के लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं इतने लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं करीब 100 महादलित परिवारों के इस क्षेत्र में अब तक प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। कैसे पानी में निकलना, पानी से ही अंदर घुसना, समस्या यहाँ है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी तो मैंने हर तरह से परेशानी है। उनके आंगन में ही पानी है, अंदर उनके आंगन के अंदर पानी है,
तो अब बताइए कि लोग जो है वो सोच रहा है कि हम क्या करें। अब जिनके पास सुविधा है तो अपना शहर में है, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं होते यहीं पे है और अपना। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि सिमुआरा गांव निवासी धीरज कुमार अपनी पत्नी के ऑपरेशन करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे, जिसके बाद उन्हें निजी नर्सिंग होम भेजा गया, वहीं नर्सिंग होम से भी रेफर कर दिया गया। इस दौरान महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि इलाके में अवैध ढंग से कई नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नेशन न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। दरअसल बीते दिनों हमने दिखाया था कि जमुई जिले के झाझा प्रखंड में मुख्य और वार्ड सदस्य की मिलीभगत से शौचालय और आवास योजना में घोटाले किए गए हैं। इस योजना के तहत मुखिया ने ग्रामीणों से पैसे की ठगी की। खबर दिखाए जाने के बाद उप विकास आयुक्त ने मामले पर संज्ञान लेते हुए वीडियो को जाँच का आदेश दिया है, जिसके बाद वीडियो ने इस पूरे मामले की जाँच की और उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। एक आवेदन मुझे भी मिला है और एक आवेदन आज के डेट में उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा भी भेजा गया है इसकी जांच के लिए। तो इसकी जांच के लिए मैंने जो आवास संबंधी समस्या जो उजागर हुई है उसके लिए आवास पर्यवेक्षक को और स्वच्छता में जो दिया गया है कि इसमें भ्रष्टाचार उसके लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को जाँच के लिए प्रति दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के अंदर जाँच प्रति एक आवेदन तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।